गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। तो काफ़ी दिन बाद जा रहे हैं संडे राइड पे, और संडे राइड पे निकलते ही हो गया है एक कलेश। ये देखो, जब सुबह सुबह सो के उठा था तो पूरा मौसम फ्रेश था, और अभी बारिश बारिश का सीन हो गया यार, बारिश पड़ने भी लगी है। ये देख रहे हो, तो थोड़ा सा डामाडोल होने लगा था कि जाएँ कि ना जाएँ, लेकिन भाई हम स्टोरी लगा चुके हैं कि मनोकामना के पास मिलेंगे, तो मनोकामना तक तो जाएंगे ही हम, क्योंकि भाई लोग आए होंगे, उन लोगों से कम मिल के भी चले आएँ। तो अभी चलते हैं पहले राज कैंपस के साइड और देखते हैं कौन कौन आए हैं। जितने लोग आएंगे आए होंगे उन लोगों से मिल के ही चले आएंगे, लेकिन जाना ज़रूरी है भाई। सो लेट्स गो। ओके, सो लेट्स गो। और फोन माउंट पे फ़ोन नहीं लगाया हूँ बिकॉज बारिश बारिश का सीन है। चलो चलते हैं। क्या सोचो और क्या हो जाता है। ये देखो यार, बारिश वाला माहौल हो गया पूरा, और डर है कि बारिश पड़ने ना लग जाए तगड़ी वाली, नहीं तो ऐसी की तैसी हो जाएगी प्लान की। एक संडे मिलता है अपने को, और उस दिन भी भगवान बारिश करवा देंगे तब कैसे चलेगा। तो धीरज अपना इंतजार कर रहा होगा कर्पूरी चौक पे, तो अभी जाएंगे सबसे पहले कर्पूरी चौक, और फिर वहाँ से धीरज को साथ में लेके हम निकल जाएंगे साइंसाई करते हुए राज कैंपस की ओर। भाई साहब, इतने सुबह सुबह इतनी भीड़, अच्छा एग्ज़ाम चल रहा होगा भाई। ऑनलाइन एग्ज़ाम दरभंगा में जो भी होते हैं हमारे घर के बगल में ही होते हैं। तो भाई बहुत सारे लोग बोलते रहते हैं मुझे कि सुपर बाइक ले लो, आप भी दरभंगा में सुपर बाइक ले लो। तो भाई सुपर बाइक लेने को तो मैं ले लूँगा, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कल जो मेरे साथ हुआ है ना भाई, उसको देख के तो अब मेरा अभी कम से कम 2 साल या 1 साल सुपर बाइक लेने का कोई इरादा नहीं है भाई साहब। कल मैं हिमालयन ख़राब हो गई, मेरी पीछे के टायर की बोल्डेसर वगैरह टूट गई थी, जिसको मैं चेंज कराने के लिए गया, ना एजेंसी में पार्ट अवेलेबल, ना पूरे दरभंगा का किसी मकैनिक के यहाँ पार्ट अवेलेबल, जहाँ तक कि स्पेयर पार्ट्स की दुकानें कहीं नहीं अवेलेबल मिल रहे थे भाई। पूरा मतलब पूरा दिन चला गया मेरा कल इसको रिपेयर कराने में। पीछे का इसका बस वो जो बॉल बैरिंग होता है भाई, अंदर में चक्का के डलता है, वो फूट गया था, और बताओ उसके चक्कर में पूरा दिन चला गया। तो कुछ बड़ा काम हो जाए तो दरभंगा में तो भाई ढूंढते ही रह जाएंगे और भटकते ही रह जाएंगे। और एक तो रॉयल एनफील्ड की शोरूम कोई पार्ट्स अवेलेबल कराती नहीं है, ये सबसे बड़ा पंगा है। आप ऑर्डर लगाओ 1 महीने बाद आएगी, ये वाला सिस्टम है। तो सुपर बाइक अगर ले भी लेते हैं और गलती से भी कुछ होता है बाइक में, तो भाई अपने को बाइक टो करवा के पटना ले जाना पड़ेगा, तो ये सिस्टम है यहाँ का। इसलिए सुपर बाइक लेना दरभंगा में एक टास्क है भाई। सुबह के 7:34 हो रहे हैं, 7 बजे का मैंने टाइम दिया था, लेकिन क्या ही करें भाई, सब लेट से ही आएंगे ऐसे मौसम में। धूप रहती तब सब टाइम से आ गए होते। धूप तो भाई आजकल 6 बजे ही उग जाती है, लेकिन आज एकदम ठंडा वाला मौसम हो गया है। तो भाई चलते चलते हम रुक गए थे बेका में धीरज को लेने के लिए, और ये भाई भी अपना पहुंच चुका है अपना ड्यूक 200 लेके, और ड्यूक 200 में इसने मॉडिफाई करवाया है एक चीज़। ये देखो, पहले इसके ड्यूक 200 में ये वाली लाइट नहीं थी, जो कि अभी नई वाली में आ रही है साथ में, लेकिन ये चेंज करवाया है खुद से। अभी निकलते हैं भाई फटाफट राज कैंपस की ओर। सो फाइनली निकल गए हम बेता से, और 3 बाइक तो अभी हमारे साथ ही जा रही है, और आगे 1-2 और ऐड होगी रास्ते में ही, और राज कैंपस पहुँचते पहुँचते ना जाने कितनी हो जाएगी भाई। तो सुबह सुबह का राइड करने में इसलिए मज़ा आता है, पूरी सर्किट खाली भाई, भगाते जाओ कोई टेंशन नहीं। कहाँ रह गया था तो भाई, एक और भाई आ गए हमारे साथ, और ये भी जा रहे हैं आज। तो चलो चलते हैं, ड्यूक 390 लेके आए भाई। सुबह सुबह चच्चा मछली पकड़ते हुए, और लेक का पानी क्या ब्लू ग्रीन लग रही है भाई, ब्लू मैं बोल रहा हूँ, ग्रीन लग रही है। अब मैं ब्लैक वाइजर पहना हूँ इस कारण से लग रही है,
या पता नहीं सच में हो गई है ये ग्रीन पानी, मस्त लग रही है लेकिन भाई। और यहाँ भी लगा हुआ है तगड़ा भीड़, बिकॉज यहाँ भी होगा एग्जाम्स। ये देख रहे हो सारे बच्चे सुबह सुबह। अच्छा भाई यहाँ चल रही है एनसीसी वाली एग्जाम। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं राज कैंपस, तो अब चलते हैं अपने मीटअप लोकेशन की ओर और देखते हैं कितने लोग पहुंचे हैं यहाँ पे। तो भाई फाइनली पहुंच चुके हैं राज कैंपस और देखो सारे लोग सुबह सुबह नींद में चले आए हैं सो के उठ के। हाँ सब हीरो लग रहा है भाई, सब हीरो लग रहा है। और एक चीज मैं आप लोगों को अभी दिखाता हूँ, सामने से देखो ये कौन सी बाइक लग रही है आप लोगों को। मैं भी कंफ्यूज हो गया था जब मैं GoPro में आप लोगों को बोला भी था कि ये 390 है, लेकिन ये 390 नहीं है भाई। तो गेस करो कौन सी बाइक है। चलो गेस क्या करोगे भाई, मैं बस दिखाई देता हूँ। ये है ड्यूक 200, बट इसमें लगा हुआ है स्टिकर भी 390 का, मीटर भी 390 का और ये हेडलाइट भी 390 का। लेकिन भाई लोग बोलेंगे कि झूठे बोल दिए। कहीं से लगने नहीं रहा। हाँ तो एक चीज़ से लगेगा भाई, बिकॉज देखो साइलेंसर रहता है 390 में और इसमें देखो हाँ टायर भी उसका थोड़ा सा पतला टाइप का रहता है। समझ गए भाई, तो समझाना यही था कि ये है 200 और एक 200 वो है जिसका हेडलाइट चेंज किया गया है और इसको तो भाई 390 ही पूरा बना दिया है भाई। मीटर वीटर सब चेंज है, देख रहे हो पूरा सामने से भी उसे से भी। और ये दो राइडर से मिलिए आप लोग। हेलो दोस्तों, आई एम योर बिग फैन। एक स्टंट मार के दिखाओ फटाफट, चलो चलो मार के दिखाओ। तो मित्रों हमारे अमित पांडे जी भी आ चुके हैं। डायलॉग 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 झाजू को पांडे जी मना रहा है अमित झाजी। अरे भाई साहब मिनी जेड एक्सटर्नल हमारे बगल से जाता हुआ फिर से आ गया भाई। ये तो ये क्या था भाई, साला इतना कॉन्फिडेंस हमको चाहिए यार, इतना अलाउड में तुमने साला कभी ब्लॉग नहीं बनाया। अच्छा कच्चा ब्लॉग बना रहे हैं कि भाई अनाउंसमेंट कर रहे हैं पूरे राज कैंपस में। बाप रे बाप, ओह माय गॉड, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप। फाइनली भाई आ चुके हैं शांतन भैया इधर। सो मच बम बम आप सबको आने के लिए एंड सब लोगों को आज इतना मॉर्निंग, मतलब दरभंगा में थोड़ा लेट ही है पूरा, बट 8 बज रहे हैं और इतने सारे लोग देख के बहुत मन प्रसन्न हो रहा है कि भाई वी हैव यस। आज का जो मिशन है हमारा वो बहुत अनोखा मिशन है, देखते हैं करते हैं कुछ करते हैं भाई, आगे पता चली जाएगा आप लोगों को। और ये देखो भैया की बाइक कंप्लीट चेंज हो गई है, पहले मतलब बाइक में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी जिस कारण से बहुत दिन तक ये बाइक नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन अभी ये पूरा मतलब चेंज हो के आ चुकी है। इसका हर एक पार्ट चेंज हुआ है, ये देख रहे हो फेयरिंग वेयरिंग सब नया लग गया है। GS 310 है ये भाई, काफ़ी सही है ऑफ रोडिंग बाइक के लिए। सामने से भाई इसका लुक एक नंबर, और नया वाला जो इसका है वेरिएंट उसमें यहाँ पे DRLs वाला जो सिस्टम दिया गया वो और हैवी लगता है।
सो लेट्स गो गाइस, हम निकल रहे हैं अभी हाईवे की ओर और संतन भैया भी आज हम लोग के साथ राइड ज्वाइन किए हैं अपनी R15 में बोल रहा था भाई, BMW लेके GS 310 और इतनी सारी बाइक्स हैं हमारे साथ आज। आज का संडे राइड में लग रहा है भाई, संडे राइड वाली बाइक। अब बहुत बड़ी लग रही है लाइट लगने से। इन दोनों का हाइट सेम ही है। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं दिल्ली मोड़ और यहां से जाना है हाईवे पे ऊपर, क्योंकि हमें जाना है दयाल ढाबा की साइड। कहां दयाल चलना है? सारे लोग इधर उधर हो गए हैं जिस कारण से हमें यहां रुकना पड़ रहा है। 100 पे चलना है और 100 से ऊपर नहीं जाना है, एक लाइन में रहना है, ठीक है? तो तो गाइस हम आ चुके हैं हाईवे पे और सारे लोग एक लाइन में चल रहे हैं, नॉर्मल स्पीड पे ही आज जा रहे हैं। देखो आज भगाने भगाने का मूड नहीं है। और ये देखो हमारे बगल में GS 310 चल रही है। तो हाइट दोनों गाड़ी का सेम है, जितनी ऊंची हिमालयन है उतनी ही ऊंची वो भी है। तो फाइनली जी हम लोग पहुंच चुके हैं दयाल ढाबा। ये है दयाल ढाबा, बाइक लगाते हैं साइड पे और मस्त यहाँ पे चाय वाय पियेंगे, उसके बाद फिर निकला जाएगा। आपका लिए अमित भैया Cheers guys. देख जना सुल्फी वाला थी, लगा के फिल्टर लगा के डालेंगे। नहीं नहीं वो तो भाई अभी जा रहे हैं हम BMW GS 310 पे एक रील शूट करने के लिए और हमारे साथ जा रहा है धीरज, आगे तक रील शूट करेगा। मस्त रील शूट कर लेते हैं भाई, बिकॉज इंस्टाग्राम के लिए कंटेंट रहते नहीं है अपने पास और इस पर बैठ के काफ़ी मस्त लग रहे हैं। हाँ साथ में ही चल लेते, या अकेले जाओ? ये लोग अभी करेगा तुरंत यहाँ से मुड़ के आ जाएंगे। 9262 यार चलाने में तो ये काफी मजा आ रही है भाई, एकदम स्मूथ है बाइक। साइडलिंग के लिए भी एक नंबर ग्रिप है बाइक में। BMW है भाई, तभी तो सस्पेंशन कितने स्मूथ है यार इसके, मतलब फील ही नहीं हो रहा गड्ढा भाई, बहुत स्मूथ सस्पेंशन है बैक का।
लेकिन ब्रेक्स थोड़े कम लग रहे हैं मुझे। मिथिलांचल ब्लॉगर देख रहे हैं तो भाई उस गाड़ी को चला के आया मैं अभी GS 310 को, इतना इतना कसम से बोल रहे हैं, इतना स्मूथ सस्पेंशन है उसका, इसलिए सस्पेंशन स्मूथ है चाहे कि जिसका गाड़ी हो पैसा वाला नहीं है। अरे भाई साहब सस्पेंशन बहुत स्मूथ है, इसका सस्पेंशन कितना स्मूथ है, चला के गड्ढा फील ही नहीं होता है। अभी निकलते हैं भाई फिर से लहरिया सराय की ओर। तो भाई पीछे अभी रेलवे फाटक पर रुके थे, वहाँ हो गया था कि एक आदमी से मतलब थोड़ा सा अनबन, भयंकर मेरे को कह रहा है मैं बाइक पे बैठा था पैर हटा है जाऊँगा, मैं बोला भयंकर मैं बाइक पे बैठा हूँ यार, मैं पैर कहाँ रोका रहा हूँ, रोड पे ही रखूँगा ना पैर, पैर हटा लूँगा तो बाइक ही गिर जाएगी, कहना मैं आराम से जाऊँगा, कैमरा ऑन नहीं किया, ये लोग बोले कि छोड़ दो नहीं तो मैं उसको पीट भी देता हूँ। वहाँ पे मस्त गुटखा चबा रहा था, भयंकर रंगदारी बतिया रहा था मेरे साथ। कैसे कैसे लोग रहते हैं पता नहीं भाई। तो अभी हम लोग रुके हुए हैं गौसा घाट में, महावीर जी के मंदिर के पास, जय बजरंगबली। और ये देख रहे हो विदाउट कैमरा पूरे हेलमेट पे स्टिकर बांध लिए हैं भाई साहब, एक नंबर एक नंबर। और बच्चे कितने ध्यान से देख रहे हैं बाइक को, लोग भी देख रहे हैं यार, बाइक लगी रही है इतनी अट्रैक्टिव भाई। और ये ट्रक वाले भैया को निकलने नहीं दे रहा कोई बाइक वाला, जिस कारण से जाम लगा हुआ है यार, निकलने तो दोस्त को खड़े ही रह जाएंगे यहाँ तो। तो भाई सारे लोग चले गए अपने अपने घर की तरफ और हम भी जा रहे हैं अपने घर की तरफ, तो मैं हूँ और धीरज है मेरे आगे, बस दो लोग ही लहरिया सराय की तरफ जाएंगे, बाकी लोग का घर इधर उधर ही पड़ता है, तो सारे लोग अपने अपने घर की तरफ चले गए। भाई राइड करते करते हो गई शाम, तो ये देखो होटल में खाना पड़ रहा है और मैं हूँ और मेरे साथ है धीरज, तो दोनों बैठ के खा रहे हैं, मस्त खाएंगे और यहाँ से गायब हो जाएंगे। तो भाई आज का खाना खुना भारी हुआ अपना, और ये देखो टाइम 4:25 और सुबह को निकले थे 7:30, तो ये होता है भाई संडे राइड पे, टाइम का कोई लिमिट नहीं होता, सुबह जाओ तो शाम को आओ, फिर यहाँ रुकेंगे चाय पियेंगे उसके बाद घर जाएंगे। सो फाइनली भाई यहाँ से ये भी चला जाएगा घर और हम भी चले जाएंगे अपने घर। तो इस वीडियो को करते हैं यहीं पे ख़त्म, होप करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, काफ़ी लंबी वीडियो बन गई है, तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय 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 गाइस। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।